नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्नोब्लॉग जीनियस में। अगर आपका भी फोन होता है हैंग तो आप आए हो सही जगह पर, क्योंकि आज इस वीडियो में एक कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी 3 साल पहले। तो आज इस वीडियो को मैं रीमास्टर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन के ऐप्स को स्लो ओपन होने की प्रॉब्लम को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको जाना है सॉफ्टवेयर इनपो पे, उधर बिल्ड नंबर को आपको 5 टाइम्स क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि डेवलपर ऑप्शंस क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इधर डेवलपर ऑप्शंस क्रिएट हो चुका है, मेरे में पहले से क्रिएटेड था तो इसलिए नहीं हुआ आपके सामने। आपको इधर जाना है एनिमेशन इफेक्ट्स पर, आपको उधर सेटिंग्स को 0.5 या फिर ऑफ़ कर देना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ऑफ़ करने से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, 0.5 से भी बहुत सारा फास्ट हो जाएगा। आप 0.5 इन तीनों सेटिंग्स को कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि फ़ोन हमारा फास्ट हो जाता है। और यही नहीं कि मैं प्रूफ के लिए आपके साथ टेक्निकल गुरु जी ने जो वीडियो डाली थी मैं उसको भी अटैच कर लेता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। उस वीडियो में भी वही पूरा स्टेप बताया गया है जो मैंने बताया था। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन को थोड़ा सा फास्ट कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास में एक S3 है जो काफ़ी पुराना है और काफ़ी स्लो है अभी, तो इसको आप फास्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं किसी भी फ़ोन के लिए। सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद में आप अबाउट फ़ोन में जाइए, जो आपको अबाउट डिवाइस जो सबसे नीचे मिलता है, आपको अलग अलग फ़ोन में अलग अलग जगह पर मिलेगा, इसको आप खोल लीजिए। और खोलने के बाद में आप जाएंगे बिल्ड नंबर पे, नीचे देखिए बिल्ड नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको आप ज़्यादा ज़्यादा टैप करेंगे तो इसमें आपको 7 बार टैप करने से डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। मेरा पहले से मैंने ऑन कर लिया है, तो जब आप बैक जाएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस करके एक सेटिंग मिल जाती है। इसको आप जब खोल लेंगे, खोलने के बाद में आप सबसे नीचे जाइए इसके अंदर यहाँ पे बीच में, तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरिंग स्केल। इन तीनों जो स्केल हैं इनकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 1x है। इसको अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका फ़ोन ऐसा लगेगा जैसे फ़ोन लैग कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 2x कर लिया और मैंने इसको भी 2x कर लिया, तो अभी देखिए, और इसको मान लीजिए 2x कर लिया, और जब आप होम दबाएंगे तो देखिएगा ऐसा लगता है जैसे फ़ोन आपका बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करें, या तो इसको 0.5x कर लें और या इसको आप ऑफ़ कर दें। देखिए मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, अभी इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ और इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ। अब देखिए फ़ोन होम बटन दबाया, ये देखिए कितना फास्ट फ़ोन लग रहा है अभी। देखिए नीचे ये खोला, सेटिंग्स खोल ली है, ये देखिए एकदम बिल्कुल जो फ़ोन एकदम पहले स्लो लग रहा था अभी देखिए कितना फास्ट फ़ोन बन गया है वो। तो आप इसको 0 पे कर सकते हैं, 0.5 पे कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जितना कम होगा उतना तेज़ होगा, और अगर ऑफ़ कर दिया है तो शायद थोड़ी बैटरी की भी आपको बचत हो जाए, क्योंकि फ़ोन को है एनिमेशंस में ग्राफिक्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।